चले फ्रेंड्स, अगर बात कर रहे हैं तो कंपनी अकाउंट्स के पार्ट टू पे आ चुके हैं हम लोग। तो कंपनी अकाउंट्स का ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें हम बहुत सारी बातें सिस्टमेटिक लेने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की रीडिंग के साथ। क्वेश्चन को सीरियसली पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन में प्रोराटा अलॉटमेंट है, पूरा चार्ट बनने वाला है, और दिस इज समथिंग व्हिच एवरी स्टूडेंट वांट्स टू लर्न। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। एक्स स्टूडेंट इशूड 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2%, मतलब 10 प्लस 2 तो भी बनेगी, तो कितने की बनेगी? 12 की। तो ये बनेगी तो कितने बनेगी? 12 की बनेगी। पेबल 2 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन सेकंड कॉल, बैलेंस ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। अभी तक मैं बच्चों से बोलूंगा, इतना क्वेश्चन पढ़ के पहले सब लोग अपनी अपनी कॉपी में अपनी अपनी टोपी बना लो। 10 प्लस 2 का शेयर है, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 5 रुपए अलॉटमेंट है, मतलब 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे है, और सेकंड कॉल पे कितने रुपए होंगे? 2 रुपए। ये बना लिया जाए। Applications were received for 16 lakh equity shares, मतलब 10 लाख देने थे, application आ गई है 16 लाख की, तो prorata allotment होगा, जिसमें से आपने 1 लाख को reject कर दिया है, मतलब 1 लाख को 0, 2 लाख वालों को पूरे दिए हैं 2 लाख, 6 लाख वालों को 4 लाख दिए हैं, और बाकी बैलेंस को prorata। तो पहले उत्तर समझने की बात है। हाँ, ये ध्यान रख सकते हो कि A एक शेयर होल्डर है जिसके अलॉटेड हुए थे कितने, 4000 shares failed to pay the allotment and calls and his shares were forfeited। इसके बाद question पे मैं फिर से लाऊंगा, किसी को question का screenshot लेना है तो पहले question का screenshot ले लो, ताकि आगे question के साथ continuation बनता रहे। तो start करते हैं दोस्तों उसके solution के साथ, let's begin। सबसे पहले सर आप क्या चाहोगे, मैं आपको इस chart के साथ introduce कराना चाहूंगा कि दोस्तों सबसे पहले अगर अपन बात करें टोपी के बारे में, सबसे पहले किसके बारे में बात करें अपन, अगर टोपी के बारे में बात करें तो आपको ये चार्ट बनाना पड़ेगा। अप्लाइड मतलब कितने शेयर अप्लाइड हुए थे, देन अलॉटेड, मनी रिसीव्ड, शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट, कॉल्स एंड बैंक रिफंड, ये 8 कॉलम का पूरा चार्ट समझा रहा हूं। सबसे पहले जब ये चार्ट आप बना लो तो सबसे पहला काम करना, जो एप्लीकेशन नाम की टोपी, जो एप्लीकेशन वाली टोपी है, वो एक यहां पे मनी रिसीव पे रहेगी और एक शेयर कैपिटल पे रहेगी। जो एप्लीकेशन वाली टोपी है वो दो जगह रहेगी, ध्यान रखिएगा, एक मनी रिसीव्ड और एक शेयर कैपिटल पे वो टोपी रहेगी, गेटिंग इट? तो ये डोंट, और अलॉटमेंट की टोपी वो अलॉटमेंट है, बाकी किसी टोपी का काम नहीं रहेगा, लेकिन क्योंकि आप एप्लीकेशन पे 2 रुपए मंगा रहे हो तो पहले यहाँ पे 2 रुपए और यहाँ पे 2 रुपए लिख दो, क्योंकि ये मेरे लिए इजी हो जाएगा आपको समझाने के लिए और आपके लिए भी इजी हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं सिस्टमेटिक, आप समझिए जरा आप लोग। 16 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन अप्लाइड, अप्लाई कितने हैं? 16 लाख। अलॉट कितने करने हैं? 10 लाख। अब मैं बोलूंगा पहले पहले कॉलम का तीसरे से, दूसरे कॉलम का चौथे से करेंगे मल्टीप्लाई, पहले का तीसरे से, दूसरे का चौथे से मल्टीप्लाई, पहले का तीसरे से, दूसरे का चौथे से मल्टीप्लाई। तो अगर अपन बात करें और बहुत सारी बात करें तो 16 लाख इंटू 2 इस कितना? 32 लाख। फंड कितना आ गया? बस 32 लाख। 10 लाख इंटू 2 रख कितना सकते हो? 20 लाख। बाकी बचे हुए पैसे का हिसाब किताब देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने 10 लाख एप्लीकेशन पे ही बात करी है, इससे ऊपर कोई और बात नहीं करी है। तो सर 16 लाख इंटू 2 पैसा कितना आ चुका है? 32 लाख, मतलब बैंक अकाउंट में कितने आएंगे? 32 लाख। कैपिटल में रख कितने सकते हो? 10 इंटू 2 दैट इज कितना? 20 लाख। अब मैं स्टार्ट करते धीरे धीरे कैटेगरीज के बारे में। 1 लाख वालों को आपने 0 दिए, अगर आपने 1 लाख वालों को 0 दिए तो 1 लाख इंटू 2 कितना हो गया? 2 लाख रुपए है, इनको आपने कोई शेयर दिया ही नहीं, पैसा दिया ही नहीं, तो इनके अलॉटेड में कितना आ जाएगा? 0। तो 0 इंटू 2 इज 0, इनका पूरा पैसा देखो रिफंड करना पड़ेगा, इनका पूरा पैसा तुझे क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। तो यहां पे आपका 2 लाख चला। सर इस वाले कॉलम को डिस्पोजल कॉलम बोलते हैं। सर डिस्पोजल कॉलम का मतलब जो पैसा यहां पे आएगा वो सब पैसा इसमें जाएगा, तो जो पैसा यहां पे आएगा वो सब इन चारों कॉलम में बंटने वाला है, तो इसको डिस्पोजल कॉलम कहते हैं, ठीक है क्या दोस्तों? सर ठीक है, अगर अपन इसको बात करें और सिस्टमैटिक बात करें तो लेते हैं 2 लाख वालों को कितने दिए आपने? 2 लाख। तो 2 लाख इंटू 2 कितना हो गया? 4 लाख पैसा आया। समझो एक्स शेयर होल्डर था, आयुष शेयर होल्डर था मेरा, जिसने 2 लाख के लिए अप्लाई किया था, दिल का बंदा था, उसको 2 लाख के 2 लाख पूरे दिए, तो 2 लाख इंटू 2 इज व्हाट? 4 लाख। इसका पैसा पूरा यूज कर लिया, 2 लाख इंटू 2 कितना आ गया? 4 लाख। सर ठीक है, ये बात भी ओके ओके। अब अगले लोग कौन थे? 6 लाख शेयर होल्डर थे, जिन्होंने 6 लाख के हिसाब से 6 लाख इंटू 2 कितना? 12 लाख भेजा। इनको दे कितना सकते हैं? 4 लाख इंटू 2 दैट इज कितना? 8 लाख।
तो पैसा कितना आ गया 12 लाख, इनका पैसा रख कितना सकते हैं 8 लाख। अब ये लोग तो बोलेंगे सर हमने 6 लाख के हिसाब से 12 लाख भर दिया आपको, आप तो यूज हमारे 8 लाख का, बाकी 4 लाख क्या? मतलब शांति करो, सबर रखो, ध्यान देते हैं, मतलब ऐसा करो तुम्हारी जो अगली इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट वाली, जो तुम्हारी अगली इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट वाली, उसमें तुम्हारे 4 लाख एडजस्ट कर दूंगा, तुम अपनी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में 4 लाख कम देना। तो तुम्हारे जो 12 लाख है उसमें से 8 लाख तो मैंने अभी ले लिए और 4 लाख मैं एडजस्ट करूंगा कहां पे? अलॉटमेंट। ठीक है, ये हो गया। अब एक लाइन बोली थी बैलेंस ऑन प्रोरेटा बेसिस। बैलेंस ऑन व्हाट? प्रोरेटा बेसिस। इसका मतलब यहां पे जो बैलेंस बच गया, बता बैलेंस कितना बचा? सर 16 लाख थे, 16 लाख में से 2 + 1 = 3 और 6 कितने हो गए? 9। तो 16 लाख में से 9 हटा, बच कितने जाएंगे? 7। 16 लाख में से कितने हटा? 9 हटा, तो बच कितने जाएंगे? 7 लाख। यहां पे देने कितने? 10 लाख। 10 लाख में से तुमने दिए कितने? 6, तो बच कितने जाएंगे? 4 लाख। जहां जहां सर्कल है वहां वहां बैलेंसिंग फिगर है, wherever there are circles they are balancing figure। तो 7 लाख को आपने दिए कितने? 4 लाख। गेम को स्टार्ट करें। अब अगर अपन बात करें कि 6 लाख इंटू 2 वाला गेम खेलना, बचे कितने? 7 लाख। 7 लाख इंटू 2 कितना हो गया तुम्हारे पास? 14 लाख। 4 लाख इंटू 2 कितना हो गया तुम्हारे पास? 8 लाख। क्या सर इनके भी पैसे बचे हुए हैं? ये लोग बोलेंगे हमको 7 लाख पे कितने दिए? 4 लाख। सर ऐसा कब होता है? जब शेयर्स ओवर सब्सक्राइब होते हैं। ओवर सब्सक्राइब मतलब आपको भैया चाहिए थी 10 लाख की एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आ गई 16 लाख, 16 लाख की, तो बचे हुए शेयर होल्डर को आप पैसा, शेयर या तो पैसा लौटा दो या तो प्रोरेटा का गेम खेलो। अगर अपन बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इनका ये 6 लाख बच गया, वो 6 लाख इनके अलॉटमेंट पे अपन एडजस्ट कर लेंगे। अब सर यहाँ पे ये टेबल खत्म होता है, कुल मिला के 7 कॉलम का टेबल होता है, 7 कॉलम का। तो अगर अपन बात करें बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये टेबल, तो अगर आप समझोगे इसके अंदर तो पहले इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, होगा तो इस पूरे को इतने पार्ट को फिर से एक बार रिवाइंड करके देखना ताकि आपको समझ में टेबल बनता कैसे। यहाँ पे पैसा आता है, इन चारों में पैसा जाता है, यहाँ पे पैसा आता है, इन चारों में पैसा जाता है। ठीक है, चले तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं टोपी और टोपी का एंट्री कर। कुछ फिगर ध्यान रखना, पैसा आया कितना है? 32 लाख। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 20 लाख। और अलॉटमेंट में कितना जाएगा? 10 लाख। एंट्रिया बड़ी होने वाली है, मौसम बदलने वाला है, तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध ले, गेम है टोपियों के साथ। सर स्टेप वन अपने को बता दीजिए, मैंने आपको कि सबसे पहले क्या करनी है, टोपीज। तो अपनी टोपियां क्या है रेडी? अगर अपन बात करें एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, तो अपनी टोपियां हैं दोस्तों रेडी। अब मुझे सबसे पहले बात करूं, पहली एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पैसा आया कितने पे? 16 लाख शेयर्स पे। कितने पे आया? 16 लाख शेयर्स पे। तो 2 × 16 लाख इज इक्वल टू कितना? 32 लाख रुपए तुम्हारे पास आए हैं। ठीक है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितना? 32 लाख। अब सर इस 32 लाख का क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो आपकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना है तुम्हारे पास? 32 लाख। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 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 पहले पैसा जाएगा शेयर कैपिटल में कितना? 20 लाख। सर इसके बाद लिखा अलॉटमेंट है, लेकिन पहले देखना बैंक, बैंक मतलब रिफंड, पैसा पहले रिफंड कर दिया। तो अब एंट्री थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि पैसा सिर्फ कैपिटल में ही जा रहा है, कुछ पैसा ओवरफ्लो के अलॉटमेंट पे जा रहा है, कुछ पैसा बैंक में रिफंड होगा, कुछ हो सकता है देखो कॉल्स तक का पैसा आ जाए। तो पहले तो कॉम्बो एंट्री बना ली कि जब पैसा ज्यादा आता है तो पैसा कहां कहां जा सकता है। तो दोस्त समझ, पैसा अगर ज्यादा आएगा, पहले जो एप्लीकेशन का पैसा आता है वो पहली बात तो कैपिटल में जाएगा, जितने लोगों को शेयर इशू करने, जितने लोगों को आपको शेयर इशू करने हैं। हाँ कुछ और ओवरफ्लो हो जाता है तो अलॉटमेंट में जाएगा, जिन लोगों को आपने रिजेक्ट ही कर दिया भाई तुमको तो हम शेयर नहीं दे पाएंगे, भाई तुम हमारे काम के नहीं हो, तो उनको अपन टू बैंक, बैंक में पैसा आया था, बैंक उस समय क्या हुई थी? डेबिट। तो बैंक अब क्या होगी? क्रेडिट। तो सर बैंक को क्रेडिट कर देंगे। सर कॉल्स एंड एडवांस करवाते हैं, ये बात भी जानने की है। तो जब पैसा इतना ज्यादा आ जाए कि आपने फॉर एग्जाम्पल मेरे को 10 लाख शेयर के लिए पैसा दिया और मैंने आपको 2 लाख शेयर दिए, तो आपने 10 लाख के हिसाब से मेरे को 10 लाख इंटू 2 20 लाख रुपए दिए थे, और मैं तुम्हारे यूज ही कितने कर पा रहा हूँ? 2 लाख इंटू 2, तो यूज कितने? 4 लाख। तो सर आपके पास हमारे 16 लाख जमा है, मैं ना चल अगली इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दूंगा। तो उन्होंने बच्चों ने बोला अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करोगे? 5 लाख, 10 लाख, उसके बाद पैसा और बच जाएगा। तो मैंने बच्चों को वहां बोला यार अगर पैसा और बच जाता है तो वो पैसा कहीं ना कहीं आपको कहां पे जाएगा? अपना कॉल्स इन एडवांस में जाएगा। कहां जाएगा? कॉल्स इन एडवांस। तो अगर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 32 लाख, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 20 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट कितना आ गया? अभी अलॉटमेंट भरो, पहले भर लो बैंक में 2 लाख,
बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा कहां पे? अलॉटमेंट। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा कहां पे आपके पास? अलॉटमेंट में। सर ठीक है, अच्छी बात है। कॉल्स इन एडवांस कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कभी कभी एप्लीकेशन पे ये एसपीआर आता है तो उसका गेम अपन खेलते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट तुम्हारे पास चल रहा है अलॉटमेंट में ड्यू करना है। पहले ड्यू होता है फिर रिसीव होता है, पहले ड्यू होता है फिर रिसीव होता है। अलॉटमेंट मंगवाने कितने? 5 रुपए। 3 रुपए किसके लिए? कैपिटल के लिए। 2 रुपए प्रीमियम के लिए। तो 5 रुपए मंगवाने, 3 रुपए कैपिटल के लिए और 2 रुपए प्रीमियम के लिए। इनटू कितना? 10 लाख। तो 50 लाख, 30 लाख और कितना? 20 लाख, क्योंकि 10 लाख शेयर्स हैं। क्योंकि कितने शेयर्स हैं? 10 लाख। तो 50, 30 और 20। सर अगर डेबिट 50 लाख से हुआ है तो क्रेडिट भी कितने से होना चाहिए? 50 लाख। सर सीधी बात है, ड्यू अगर 50 लाख की है तो क्रेडिट भी कितने से होना चाहिए? 50 लाख। लेकिन दोस्त 10 लाख तेरे पास पहले से आ चुके हैं, तो मैं तो बच्चों को हमेशा बोलता हूँ जितने से डेबिट होता है उतने से क्रेडिट होता है। तो अगर 50 लाख से डेबिट हुआ तो क्रेडिट कितने से होना चाहिए? 50 लाख। बट इसमें से 10 लाख तेरे पास पहले आ चुके हैं तो आप क्रेडिट कितने होंगे? 40 लाख। 10 लाख पहले ही क्रेडिट हो गए ना, तो आप क्रेडिट कितने होंगे? 40 लाख। तो अगर डेबिट 50 लाख से हुआ है तो क्रेडिट भी 50 से होना चाहिए, लेकिन 10 लाख पहले आ चुके हैं इसलिए क्रेडिट कितने से होगा? 40 लाख। इस वाले पॉइंट को ध्यान रखना। क्या सबने पैसे भरे? कि एक शेयर होल्डर था ए, अब एक शेयर होल्डर था ए जिसने पैसे नहीं भरे। एक शेयर होल्डर था क्या? ए, जिसने पैसे नहीं भरे। अब सुनेंगे अपन ए की कहानी मेरी जुबानी कि ए ने कितने पैसे नहीं भरे। तो आप आ जाओ पहले ए के बारे में। तो अगर अपन ए के बारे में बात करें तो पहले क्वेश्चन पे एक बार देख लेंगे क्वेश्चन में ए ने क्या बोला था। तो भाई आप देख लो, ए एक शेयर होल्डर था जिसने 4000 शेयर अलॉट हुए थे। कितने शेयर अलॉट होते हैं? 4000। और भाई अपनी कौन सी कैटेगरी का था चेक कर लो, कौन सी कैटेगरी वाला? 6 लाख वाली कैटेगरी का। कौन सी कैटेगरी का? 6 लाख वाली कैटेगरी का। तो ये ध्यान रखना, 6 लाख वालों को मिले कितने थे? तो सर यार ये बात तो समझना पड़ेगी, 6 लाख वालों को कितने मिले थे? तो देखो 6 लाख वालों को मिले थे 4 लाख। 6 लाख वालों को कितने मिले थे? 4 लाख। तो जिसने को 4000 मिले हैं, अप्लाई नहीं किया था, जिसको 4000 मिले हैं उसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए करा था सोचो। जिन लोगों ने 6 लाख के लिए अप्लाई किया था उनको मिले थे 4 लाख। तो जिसको 4000 मिले हैं उसने अप्लाई कितने के लिए करा होगा? तो सर इसका गेम हम खेलते हैं, अप्लाइड अपॉन अलॉटेड इज इक्वल टू अप्लाइड अपॉन अलॉटेड। अप्लाइड अपॉन अलॉटेड इज इक्वल टू अप्लाइड अपॉन अलॉटेड। ये एक ही कहानी मेरी जुबान, ठीक है। तो जिन्होंने 6 लाख के लिए अप्लाई किया था उनको मिले कितने हैं? 4 लाख। तो जिसने 4000 के लिए अप्लाई किया उसको मिले कितने? एक्स की यूनिटरी मीटर होता है 6 चॉकलेट 4 रुपए की, तो बताओ 4 चॉकलेट कितने की? गेटिंग इट? ऐसा तो एक्स ने भैया अपने को 6000 के हिसाब से पैसा वैसा भरा था। अपन बात कर लेते हैं तो एप्लीकेशन मनी था 6000 × 2 कितने रुपए आया था? 12000। एप्लीकेशन मनी था कितना? 6000 × 2 कितना आया था? 12000। इसको अपन ने अलॉट कितने करे? 4000 शेयर्स। तो 4000 × 2 कितना हो गया? 8000। तो 12000 में से कितने गए? 8000। तो एडवांस में कितने बचे? 4000 उसके जमा है हमारे पास, उसने 6000 के हिसाब से पैसा भरा था। गेटिंग इट? तो अलॉटमेंट पे उससे मंगाने थे 4000 रुपए पैसा। तो 4000 पे कितने मंगाते? टोपी थी शायद 5 रुपए की। तो मैंने अलॉटमेंट में उसको फोन करा, भाई तो अपने पैसे भेज, 4000 × 5 कितना हो गया? 20000। तो उसने बोला यार 20000 में से 4000 तुमने जमा है। मैंने चल ठीक है, तो 4000 जमा मान, अब तू कितने भेज दे? 16000। तो उसने बोला सर 16000 तो मैंने भेज दिया, मेरे पास पैसे नहीं है। अब ऐसे लोगों का मतलब गुस्सा आता है, पैसे मंगाए नहीं दे रहा। ठीक है चलो अपन मानते हैं 16000 उसके क्या हो गए? कॉल्स इन अरियर। 16000 उसके क्या हो गए दोस्तों? कॉल्स इन अरियर। अगर अपन बात करें तो सर अच्छी बात है, फर्स्ट कॉल पे फिर से उसको फोन करा कि 4000 शेयर्स में 4000 × 3 कितने मंगाओ? 12000। क्या उसने मंगाए कि नहीं मंगाए? ये भी नहीं दिया। तो फिर से उसको क्या हो गया? कॉल्स इन अरियर। यहां मेरे को बंदा थोड़ा सा खराब, थोड़ा सा नीच लगने लग गया थोड़ा सा। फिर उससे मैंने सेकंड कॉल भी इज्जत से फोन किया, बिल्कुल ना धोके तेल लगा के, भाई तेरे 4000 पे 2 रुपए बनते हैं 8000। तो दोस्तों यार ये महान नीच निकला, 8000 रुपए इसने नहीं दिए। अब यहां से इसकी कहानी से तुम्हारी वो एंट्री कनेक्टेड है कि आपके डेबिट हुए थे 50 लाख, 10 लाख पहले आ चुके थे, बचे कितने? 40 लाख। 50 लाख से डेबिट हुआ है तो क्रेडिट कितने से होना चाहिए? 50 लाख से। बट क्योंकि 10 लाख पहले आ चुके थे 40 लाख बचे। 16000 इस भाई ने नहीं दिए, महान नीच इंसान है, इसे पॉलिसी ले रहे हो, बाकी बचे हुए पैसे आ जाएंगे। हमेशा ये वाला फिगर बैलेंसिंग फिगर होता है, ठीक है। बस अब आगे की बात करते हैं सर, फर्स्ट कॉल में पैसे मंगाने थे, कितने मंगाने थे? 3 रुपए। तो 3 × 10 लाख कितने रुपए हो गए? 30 लाख। तो ये आपने ड्यू करा, पहले ड्यू करेंगे फिर पैसा इन करेंगे, पहले ड्यू करेंगे
फिर वैसा इन करेंगे, बिल्कुल मस्ती से पढ़ेंगे अपन लोग। तो पहले ड्यू करेंगे फिर इन करेंगे। डेबिट अगर 30 लाख से हुआ है तो क्रेडिट भी कितने से होना चाहिए दोस्तों? 30 लाख। अगर डेबिट 30 लाख रुपए से हुआ है तो क्रेडिट भी कितने से होना चाहिए? 30 लाख से। लेकिन इस 30 लाख में एक तो इसकी 12,000 नहीं है दोस्तों, और अब देखो बी की कहानी फिर से सुन लेनी चाहिए। सर बी की कहानी क्या है अगर अपन बात करें, बी एक शेयर होल्डर है अगर अपन पढ़ना शुरू करें, होल्डिंग फ्रॉम दी फोर्थ कैटेगरी हु हैज अप्लाइड फॉर 7,000 शेयर। तो अपना भाई बी एक शेयर होल्डर है जो कि फोर्थ कैटेगरी का है, जिसने 7,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, और जिस लोगों ने फोर्थ कैटेगरी में 7 लाख वालों को 4 लाख मिले, फोर्थ कैटेगरी में 7 लाख वालों कितने मिले? 4 लाख। तो बी ने बता 7,000 शेयर के लिए अप्लाई किया तो उसको मिले कितने? तो सर दिमाग तो आ गया कि हाँ सर 7 लाख वालों को 4 लाख मिले, तो 7,000 वालों को कितने मिलोगे? 4,000। तो सुनो बी की कहानी मेरी जुबानी। तो बात ये करें कि अगर बी की कहानी सुनोगे बहुत सिस्टमेटिक देखोगे, तो ये रहा अपना बी, अप्लाइड अपॉन अलॉटेड इज इक्वल टू व्हाट? अप्लाइड अपॉन अलॉटेड। तो 7 लाख वालों कितने मिले? 4 लाख। तो 7,000 वालों कितने मिलेंगे? 4,000। अब अगर अपन बात करें एप्लीकेशन मनी के बारे में, तो इसमें 7,000 × 2 14,000। मान लो अन्य है जिसने 7,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, इसने 7,000 × 2 14,000 रुपए दिए, इसको मैं 4,000 शेयर ही दे पाया, तो इसके पैसे मैंने कितने रखे? 4,000 × 2 इट इज इक्वल टू कितना? 8,000। तो सर इसके जमा हो गए मेरे पास एडवांस कितने? 6,000। मैंने अन्य कॉल किया, अन्य फर्स्ट वो अपना अलॉटमेंट के पैसे भेज दे, तो 4,000 × 5 20,000। तो इसने बोला सर मैंने 6,000 को जमा है, मैंने बोला हाँ तेरे 6,000 जमा है, पता है मुझे, कोई चिंता की बात नहीं, तो 14,000 भेज दी। क्या आन्या ने 14,000 भेज दिए? हाँ उसने 14,000 भेज दी, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे नहीं है, तो कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। ए जैसी मक्कार नहीं है किसने अलॉटमेंट से ही गलती कर दी। तो जब भी आपकी फर्स्ट कॉल से गलती हो रही हो तो कहानी कोई बहुत लंबी बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना निकालना है कि इसके शेयर अलॉटेड कितने हैं। यहाँ पर अगर आपको 4,000 आ गए तो ये तो अपन ने सिर्फ समझाने के लिए करा, मेन तो इसकी कॉल जनरेट शुरू कहां से हो रहे? फर्स्ट कॉल से। तो अगर अपन फर्स्ट कॉल देखें तो 4,000 × 3 कितने हो गए? फर्स्ट कॉल मंगाने कितने थे? 12,000। फर्स्ट कॉल पे मंगाने कितने थे? 12,000। क्या अन्या ने मतलब बी ने भेजे कि नहीं भेजे? तो नहीं भेजे। तो फर्स्ट कॉल पे एक तो ए के 12,000 है और एक इसके 12,000 जो पैसा नहीं आया, इसने सेकंड कॉल के पैसे भी नहीं भेजे हैं, तो सेकंड कॉल कितने रुपए का है? 4,000 × 2 इट इज इक्वल टू कितना? 8,000। 4,000 × 2 इट इज इक्वल टू कितना? 8,000। वो पैसा भी नहीं आया, तो ये हमारा क्या कॉल से लगे। अब यहाँ पे अपन आ जाते हैं दोस्तों फर्स्ट कॉल की एंट्री पे, ध्यान रखना इसके 12,000 यहाँ पे नहीं आए हैं और वहां पे ए के 12,000 रुपए नहीं आए, तो ध्यान रखना दो लोगों ने अब कारी करी है फर्स्ट कॉल पे। तो सर ठीक है अपन ले आते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो फर्स्ट कॉल पे एक मक्का रही की दो मक्का रही दोस्तों? दो मक्का है, एक ए है और एक बी है। ए के 12,000 तो आपको इधर फिगर में लिख रहे होंगे, ए रहे 12,000 और बी के 12,000 पर कैलकुलेट करके लाए। तो अगर डेबिट हो रहा है 30 लाख से, क्रेडिट हो रहा है 30 लाख से, तो 24,000 नहीं है, बाकी बचा हुआ 29.76 क्या हो जाएगा दोस्तों? बैलेंसिंग फिगर। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन क्या रहेगा? बैलेंसिंग फिगर। शेयर ठीक है, शेयर सेकंड कॉल के अगर बारे में बात करें तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपने ड्यू कितने करे? 2 रुपए। कितने रुपए? 2 रुपए। तो 2 × 10 लाख इट इज इक्वल टू कितना? 20 लाख। तो शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल कितना हो गया आपके पास? 20 लाख। अगर डेबिट 20 लाख से हुआ है तो क्रेडिट कितने से होगा दोस्तों? 20 लाख से। यहाँ पे ध्यान रखना ए ने कितने नहीं भरे थे? 8,000 दिख रहा है, देखो ए ने कितने नहीं भरे थे? 8,000। और सर बी ने भी कितने नहीं भरे थे? 8,000। वो बी के अपन ने बी देखा था, बी ने भी सेकंड कॉल के कितने रुपए नहीं भरे हैं? 8,000 रुपए। तो सर कॉल से अरेरा टोटल कितना हो गया? तो दोस्त टोटल कॉल से अरेरा तो होगा 16,000। टोटल कॉल से अरेरा कितना होगा तेरे पास? 16,000 रुपए। बाकी बचा हुआ पैसा तुम्हारे अकाउंट में आ गया। अब सर यहां के बाद टांडव शुरू करेंगे, शेयर फीचर शुरू करेंगे। तो सर अगर शेयर फीचर शुरू करें अगर अपन अच्छे से और सिस्टमेटिक, तो मैं बच्चों को पहले बोलूंगा देखिए मेरे हिसाब से पहले तो फॉरफीचर की एंट्री समझ ले। अपन ने फॉरफीचर का मतलब अपन अलग से लेक्चर में समझ चुके हैं, फिर भी मैं तेरे को फॉरफीचर की जो अपनी एंट्री, इस प्रकार से अपन फॉरफीचर की एंट्री करते हैं, मेरे लिए ये एंट्री बच्चों को पढ़ाना भी बहुत जरूरी है और समझाना भी बहुत जरूरी है और रटवाना भी बहुत जरूरी है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहली बात तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों होता है? क्योंकि आज आप किसी को शेयर अलॉट नहीं कर रहे हो, आप उसके शेयर छीन रहे हो, वापस दे रहे हो, मतलब उसको कैंसिल कर रहे हो,
मतलब शेयर कैपिटल उसने आज तक जितना मंगाया, जितना मंगाया, कितना मंगाया, कितना मंगाया, तो जितना आपने उससे मंगाया है, अगर मैं बात करूं, आपने जितना उससे मंगाया है आप उतना ही पैसा उसका राइट ऑफ कर रहे हो कि भाई तू नहीं हो पा रहा है तेरे से, तो तू हमको पैसा भी तेरे शेयर हम कैंसिल कर रहे, गॉट इट। तो कितना मंगाया शेयर कैपिटल अकाउंट उससे डिपेंड होता है, ठीक है ना। इसमें एसपीआर का अमाउंट इंक्लूड नहीं होता है, एसपीआर के बारे में अलग से बात करते हैं। तो अगर शेयर 10 रुपए का था और ए से पूरे 10 रुपए मंगाए थे, अंत तक मंगाए थे पूरे 10 रुपए, ये मत सोचना कितना आया, क्योंकि कितना आया तो अपन बाद में चेक करते हैं। हम लोग देखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होती है सामने वाले से आपने कितना तक मंगाया, क्या उससे आपने फाइनल कॉल तक मंगाया। तो जब जब आपने उससे फाइनल कॉल तक मंगाया तब तक आप पूरा डेबिट करोगे। अगर आपने उसके फर्स्ट कॉल पे फॉरफिट कर दिए तो फाइनल कॉल डेट से 2 रुपए का था, 2 रुपए हटा दो, बचे हुए 8 रुपए से डेबिट करो, गेटिंग इट। तो शेयर कैपिटल, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा शेयर कैपिटल क्या होती है डेबिट। एक ही केस में कितना मंगाया 10, कितने शेयर थे 4000, तो 10 × कितना 4040000। सर ये एसपीआर अकाउंट डेबिट, देखिए एसपीआर का अच्छी कहानी है, इसको अलग से समझा चुका हूं। अगर एसपीआर किसी शेयर होल्डर से मंगाते हो तो एसपीआर इज फॉर द कंपनीज वर्थ, कंपनी की ब्रांड वैल्यू है, इसलिए आप एसपीआर मंगाते हो। तो अगर कभी कोई शेयर होल्डर एसपीआर का अमाउंट ड्यू होता है और पे कर देता है, और अगर आपका एसपीआर का अमाउंट भी कैंसिल कर रहे हो, फॉरफिट कर रहे हो, तो आप दुनिया को नहीं बताते, तो आप दुनिया को बताओगे ही नहीं कि हमने इसका एसपीआर का अमाउंट भी हड़पा है। आप ही किसी को नहीं बोलोगे कि भाई इसने एसपीआर का पैसा भी हमको दिया था और पैसा हमने हड़प लिया, ऐसा आप किसी को नहीं बोलोगे। आपसे एसपीआर उसने, आपने उससे मंगाया अलॉटमेंट, उससे एसपीआर मंगाया बट उसने नहीं दिया, तो दुनिया को चीख चीख के बताओगे ये तो वो नीच है जिसने हमको एसपीआर का पैसा भी दिया। तो एसपीआर के सिंपल सा रूल है, अगर मंगाया और आ गया तो चुप, एसपीआर के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, एसपीआर को इग्नोर कर देंगे। जैसे पैसा आया था मंगा लिया था चुप, मंगाया और नहीं आया तो दुनिया को चीख चीख के बताएंगे कि वो नीच है जिससे एसपीआर का पैसा मंगाया गया था, मतलब पैसा नहीं आया, तो ये चीख है, ये नीच है, गेटिंग इट। तो अगर अपन बात करें तो शेयर कैपिटल 10 × कितना 4000, शेयर कैपिटल कितने डेबिट होगी 40 से। अगर अपन बात करें कैसे एसपीआर का पैसा मंगाया था, हाँ सर इसने अलॉटमेंट से, आप चेक कीजिए ए ने अलॉटमेंट से पैसा नहीं देना शुरू करा है, तो ए की अगर अपन बात करें तो ए ने अपने को अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया है, इसलिए इससे अपने एसपीआर मंगाया था और नहीं आया, तो हम दुनिया को चीख चीख के बताएंगे कि इसने 2 रुपए भी नहीं दिए, गॉट इट, ठीक है। कॉल सिन अरियर का विषय मतलब होता है कितना पैसा नहीं आया, टोटल उसने कितना पैसा नहीं दिया आपको। तो सर ये तो उसकी कहानी से पहले अपन जान चुके हैं कि देखो ये एक ही कहानी है, ए ने एक तो 16000 नहीं दिए, एक तो 12000 नहीं दिए, एक तो 8000 नहीं दिए, तो 16 + 12 + 8 अगर अपन बात करें तो 36000 रुपए एके नहीं आए। तो सर अगर 36000 रुपए एके नहीं आए हैं तो बाकी बचे हुए पैसे उसके हड़पे आते, हड़पे मतलब फॉरफिट करा होते शेयर, तो उसके लिए अपन बोल देते इसका पैसा अपन ने फॉरफिट कर लिया कितना 12000, और इसको बोलते कितना हड़पा सामने वाले, हड़पा मतलब कितना उसका शेयर कैंसिल करा, फॉरफिट का मतलब। और उसके लिए हमेशा अपन बनाते हैं दोस्तों गुल्लक, क्या बनाते गुल्लक, फिर समझ लो यहाँ पे आता है कितना मंगाया उस सामने वाले शेयर होल्डर से, आपने कितना मंगाया तो 10 × 4000 कितना हो गया 40000, 2 × 4000 कितना हो गया 8000, गॉट इट, 2 × 4000 हो गया आपके पास 8000। टू कॉल्स इन अरियर कितना नहीं आया, उसके लिए अपन ने कैलकुलेशन देख ली 36000 रुपए नहीं आए थे। हमेशा ये फिगर दोस्तों बैलेंसिंग फिगर होता है, इसको खुद निकालने की कोशिश मत किया करो, ये जो बच्चा है ऊपर का डेबिट माइनस क्रेडिट जो बच्चा है वो इसका बैलेंसिंग फिगर होता है। तो आपने ए के 4000 शेयर्स पे कितने रुपए हटे 12000। सर ऐसे ही बी की कहानी देख लेते हैं, बोला हाँ यार एंट्री मैं फिर से नहीं कर रहा हूँ, मैं बी की एंट्री इसमें दिखा रहा हूँ कि सर बी से भी तो पूरे 10 रुपए मंगाए, एंड तक उससे मंगाते रहे सेकंड कॉल तक। जब पैसा कभी सेकंड कॉल के पहले ही शेयर प्रॉफिट करते हैं तो 10 की जगह 8 आ जाता है, 7 आता है, डिपेंड अपॉन कितना नहीं मंगाया। अभी क्या आप चेक करो, मैं बी की कहानी बताऊं तो क्या बी से भी पूरे 10 रुपए ही मंगाया, हाँ सर बी से भी पूरे 10 रुपए ही मंगाए थे और ऐसा कुछ गलती नहीं करी। इवन अगर आपको ये चार्ट चेक करना हो तो मैंने एक चार्ट बना के रखा है ए और बी का, कि ये ए का चार्ट है, ए ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया बाकी कुछ भी नहीं दिया, तो उससे मंगाए कितने 10, प्रीमियम को अलग से बात करेंगे, और इससे हम प्रीमियम मंगाया था और नहीं आया था, तो यहाँ पे प्रीमियम की क्या होगी दोस्तों चीख। क्या बी ने अलॉटमेंट का मनी दिया, हाँ, इसका मतलब क्या उसने एसपीआर भी दिया, हाँ,
उसने अलॉटमेंट भी दिया, इसका मतलब उसने एसपीआर भी दिया, इसका मतलब अपन यहाँ पे कोई चीख नहीं मारेंगे, इस पैसे को हड़प लेंगे चुप सन्नाटा, एसपीआर के नाम पे कुछ भी नहीं आएगा, एसपीआर के नाम पे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इसका एसपीआर आया और निकाल लिया। हम क्यों बताएं एसपीआर के बारे में? तो एसपीआर के बारे में कब आता है? जब मंगाया और नहीं आया। एसपीआर के बारे में आता है जब मंगाया और नहीं आया, तो हम दुनिया को चीख चीख के बताते हैं कि भैया ये वो नीच इंसान है जिसका पैसा हमारे पास नहीं आया है। सर ठीक है, 10 × 4000 कितना होगा? 40,000। एसपीआर के बारे में बात नहीं होगी, इसके कितने रुपए नहीं आए? सर सीधी सीधी बात है कि इसके 5 रुपए नहीं आए, इसने फर्स्ट कॉल नहीं पे करा और सेकंड कॉल नहीं पे करा है, तो 5 रुपए नहीं आए, 4000 रुपए, तो 5 × 4000 कितना होगा? 20। अब बता डेबिट कितना हो रहा है? सर डेबिट हो रहा है 40,000 से, और क्रेडिट कितना हो रहा है? 20। तो बैलेंसिंग कितना होगा? 20। अब आएगा मजा, तेरे पास इसका कितना गुल्लक है? 12,000। इसका कितना गुल्लक है? 20,000। तेरे पास टोटल गुल्लक कितने का है? 32,000। इसका 12, उसका 20, टोटल गुल्लक कितना है? 32,000 रुपीज का टोटल गुल्लक कितना है आपके पास? 32,000 रुपए का। अब अगर मैं आपसे आगे की बात करूं, सिस्टमेटिक बात करूं, तो ये शेयर रीइशू है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में बोला है All the shares were reissued at ₹7 fully paid। मतलब 7 रुपए में आपको कोई और बंदा मिल गया, आपने उसको शेयर टिका दिए, 10 रुपए का शेयर टिकाया कितने? 7 रुपए। कितने शेयर्स? ए के 4,000 और बी के 4,000, टोटल कितने हो गए? 8,000। ए के 4,000 और बी के 4,000 टोटल कितने हो गए? 8,000 शेयर्स। तो बैंक में कितना है? 7, ये कितना है? 10। ध्यान रखना जब ये एंट्री करो, तो पहले कितने पे रीइशू हुआ? 7 पे। एज फुल्ली पेड बोला है, क्या बोला है? फुल्ली पेड। तो यहाँ पे कितना आएगा? 10। तो ये हो जाएगा तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर। कौन सा फिगर हो जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। ये ध्यान रखना, एंट्री करना काफी इजी होती है अगर आपको पता हो कि आपको कौन सा फिगर किस समय डालना होता है। तो ऊपर 7, यहाँ पे 10, बीच में कितना? 3। तो ये 7, 10 और 3, तो कुल मिला के अगर अपन बात करें तो 10 × 8,000 कितने होते? 80,000। 7 × 8,000 कितने हो गए? 56,000। ये हो गया आपका बैलेंसिंग फिगर 24,000। अब मुझे बताओ टोटल गुल्लक बनाया कितना था? 32,000। मतलब पैसा हड़पा कितना था? 32,000 रुपीज। उसमें से पैसा निकाला कितना? 24,000। गुल्लक कितने का था? 32 का। निकाला कितना? 24। बाकी 8,000 तेरा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्यों? तूने पुराने शेयर होल्डर से हड़पे कितने थे? 32,000 रुपए। और तूने नया शेयर इशू कर दिया, वो शेयर पूरे किसी और को इशू कर दिए, और गुल्लक में से निकालने पड़े क्योंकि शेयर कम में इशू हुआ। कितने? 24। बाकी 8,000 का तेरा प्रॉफिट है। ऐसे प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व कहा जाता है। कैपिटल रिजर्व्स आर द रिजर्व्स व्हिच आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। मतलब ये आपको बिजनेस की रेगुलर इनकम से प्रॉफिट नहीं हुआ है, ये आपको शेयर फॉरफिट करके प्रॉफिट हुआ है, आपको बिल्डिंग बेच के जो प्रॉफिट होता है, आपको फर्नीचर बेच के जो प्रॉफिट होता है, आपको लैंड एंड बिल्डिंग पर जो प्रॉफिट होता है, ये सब काहे पे आता है? कैपिटल रिजर्व है। तो ये भी आपका एक कैपिटल प्रॉफिट है। तो जो बचा हुआ अमाउंट है 32 − 24, शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व 8,000 आ जाएगा। यहां तक का पूरा क्वेश्चन एज इट इज सेम लेवल का, सीबीएसई में 6 मार्क का पूछ रहे हैं। पहले 8 मार्क का बताओ, बहुत ध्यान समझना इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को बहुत सिस्टमेटिक देखना, बहुत काम का है। जो भी क्वेरीज आए वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना, ताकि मुझे मालूम पड़ सके मैं और क्या अपडेशन दूं आप लोगों के लिए, क्या अच्छा करूं आप लोगों के लिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ एंड नाइस करियर अहेड।